हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलॉय व्हील आपको कैसे खरीदना है। 9 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आइडेंटिफाई की है जो आपको देखना जरूरी होता है कोई भी अलॉय व्हील खरीदने के पहले। तो दोस्तों, आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, लेकिन ये जो 9 चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो चीज़ें आपको मैंडेटरी देखना जरूरी होता है। स्पेशली अगर आफ्टर मार्केट अलॉयज आप खरीद रहे हो तो कौन से टाइप के अलॉय आपको खरीदने जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, जहाँ पे हम लोग बाइक रिलेटेड, कार रिलेटेड काफ़ी नई नई स्टोरीज अपलोड करते रहते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 9 सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं अलॉयज के अंदर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहली जो चीज़ है वो कौन से टाइप के आप अलॉयज ले रहे हो। अलॉय व्हील के डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल यूज होता है, जो कास्टिंग यूज होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो दो टाइप के अलॉयज बनते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम कास्टिंग अलॉयज और सेकेंड होता है फोर्ज अलॉयज। सो मोस्टली जो OEM या आफ्टर मार्केट में आपको जो अलॉयज देखने मिलते हैं वो होती है एल्यूमिनियम अलॉयज, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और OEM भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती है, जैसे BMW हो गई है, ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गए, ये कहीं ना कहीं फोर्ज अलॉयज भी यूज़ करते हैं और आफ्टर मार्केट में ये फोर्ज अलॉयज भी मिलते हैं और अवेलेबिलिटी छोटे साइजेस में होती नहीं है। मोस्टली ये जो प्रीमियम गाड़ी है जिसके अंदर हम लोग लो प्रोफाइल टायर डालते हैं और उसमें अगर एल्यूमिनियम क्रैक ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप BMW यूज़र्स वगैरह हो तो कहीं ना कहीं अलॉयज क्रैक होते रहती है, तो वो एल्यूमिनियम अलॉयज होते हैं। फोर्ज अलॉयज जो होता है उसका 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है और वो 30-40% लाइट होते हैं ये वेट में कंपेयर टू एल्यूमिनियम अलॉयज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कितना इंच का अलॉयज ले रहे हो और क्या अपसाइज कर रहे हो। मान लो आपका अलॉयज 15 इंच का है तो आपका टायर भी 15 इंच का ही जाएगा उसमें। अगर आप +1 अपसाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको 16 इंच अलॉयज देखना है। तो ये इंच में आप ये देखना जरूर कि तो अलॉयज का उस हिसाब से आपको टायर डालना होगा। तो 17 इंच का अलॉयज है या 16 इंच का है या 15 इंच का है या 14 इंच का है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और बाद में आता है दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है विड्थ। मोस्टली OEMs के अंदर जो विड्थ होती है, जैसी मारुति की गाड़ी हो गई उसके अंदर 5-5.5 इंच का, 6 इंच का होता है। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट ले रहे हो तो क्या आपका राइट मिल रहा है क्या विड्थ उसका, तो विड्थ भी देखना जरूरी है, उस हिसाब से आपका टायर फिट होगा। तो विड्थ जो है वो 5J 7J ऐसा होता है। जी जो दोस्तों J होता है, इसे J कहते, ये है J टाइप है J, यहाँ पे आपका टायर का बीडिंग फिट होता है इसीलिए इसे J कहा जाता है। तो 8J अगर ये विड्थ हुआ वो 8J होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो है वो है PCD, जिसे द पिच सर्कल डायमीटर भी कहते हैं। ये जो पिच सर्कल डायमीटर होता है, ये होता है गैप आपके दो होल स्टड्स के बीच का। स्टड्स PCD की जो दोस्तों बात कर रहे थे, PCD मतलब ये दो होल के बीच में का जो गैप होता है उसे PCD कहा जाता है। इसका गैप बोलो या होल का गैप बोलो, आप ये जो गैप होता है, ये S गैप दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये जो गैप होता है ये होता है PCD। तो ये राइट PCD होना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरर का अलग अलग PCD होता है। जैसे मारुति में 100 PCD लगता है, आपका जो हुंडई है उसमें 100 PCD लगता है, आपका जो वोल्सवैगन है उसमें 112 PCD लगता है, ऑडी BMW में एक अलग अलग PCDs होते हैं, जैसे आपका थार वगैरह है या आपकी जो SUVs है उसके अंदर अलग अलग PCD होते हैं। तो पहले दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है आपके OEMs ने क्या PCD के अलॉयज दिए आपको, उस हिसाब से आपको PCD चूज करना है। क्योंकि एक डिज़ाइन आपको दिखेंगे 16 इंच की रिम, लेकिन PCD अलग अलग हो सकते हैं। अगर दोस्तों PCD राइट नहीं होगा तो अलॉयज जो है वो आपके स्टड में माउंट ही नहीं होगा। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि PCD ये राइट है या नहीं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़, कितने होल है, मतलब जब भी आप माउंट करते हो अलॉय को, तो कोई कोई अलॉयज में 4 होल रहते हैं, कोई में 5 होल्स रहते हैं, कोई में 6 होल्स रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको, क्योंकि डिज़ाइन सेम रहेगा, होल्स प्रॉब्ली ये डिज़ाइन में 5 होल है, अगर आपके इसमें 4 है तो वो फिट नहीं होगा, अगर आपके इसमें 6 होल है तो 5 वाला फिट नहीं होगा। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपने राइट होल का मैकविल चूज़ किया है कि नहीं। तो ये एक हो गया फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैंडेटरी है। काफ़ी दोस्तों अलॉयज होते हैं जिसमें 8 होल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिट हो जाते हैं, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना कि क्या ये अलॉय सही में आपके गाड़ी में फिट होगा। अगर आप गलत होल का ऑर्डर कर लेते हो तो दिक्कत हो सकती है। अभी दोस्तों सिक्स्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हब बोर होते हैं। हब बोर मतलब ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये जो बोर, ये जो होल है, ये आपके हब बोर में मैच हो रहा है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है होता है वो हब बोर का होता है। हर OEM के जो हब बोर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वोल्सवैगन का अलग होता है, मारुति का अलग होता है, मर्सिडीज का अलग होता है, ऑडी का अलग होता है। तो आपको यूजुअली जब आफ्टर मार्केट के अलॉयज आप खरीदते हो
तो उसके अंदर आफ्टर मार्केट में ये जो अलॉयज है ये सब गाड़ियों में बैठने के लिए हब का बोर यूजुअली ये लोग बड़ा रखते हैं। दोस्तों आफ्टर मार्केट अलॉयज में हब बोर यूजुअली बड़ा होता है क्योंकि ये कोई कार स्पेसिफिक नहीं बनाया होता है, ये सारी गाड़ियों के लिए बनाया होता है। रिसेंटली दोस्तों मैंने स्कोडा सुपर में एक अलॉयज डाले थे, उसका हब बोर काफी बड़ा था। इस इंस्टॉल करने के बाद में 100 के ऊपर जब गाड़ी जाती थी कहीं ना कहीं वॉबलिंग आ रही थी। वॉबलिंग आने का रीजन ये था कि हब बोर में कहीं ना कहीं बड़ा गैप था, तो गैप को फिल करना होता है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हब रिंग का। हब रिंग आपको खरीदना होता है सेपरेटली और हब रिंग आपके साइज के हिसाब से आप उसको मैच करना होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे 157 mm का है तो हम लोग 157 का इनर ये देखेंगे और जो आउटर है वो जितना भी हमारा अलॉयज है उसको फिल करना होगा, तो कहीं ना कहीं वॉबलिंग्स बंद होंगे। तो इसमें जो हब रिंग है ये काफ़ी मैंडेटरी होती है। तो जब भी आप अलॉयज लेते हो उसके बॉक्स के ऊपर ये सारे डायमेंशन मेंशंस होते हैं, तो आप वो डायमेंशन को रीड करिए और उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये आपके गाड़ी में सूट हो रही है नहीं। दोस्तों सेवंथ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है अलॉय बाइंग में वो होती है राइट टाइप के अलॉयज चूज़ करना है। दो टाइप के यहाँ पे अलॉयज आप देख सकते हो। दोस्तों राइट अलॉयज चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे दो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखो ये फ्लैट है और यहाँ पे देखो ये हब का है। ये मोस्टली एसयूवी के लिए होते हैं और ये जो है ये नॉर्मल कार के लिए होते हैं। आप देख सकते हो एसयूवी 500 में ऐसे अलॉयज लगते हैं, ऐसे नहीं लगते हैं। तो राइट अलॉयज चूज़ करना भी इंपॉर्टेंट है। एट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्पेसर, ये बहुत कम गाड़ियों में यूज़ होती है। यूजुअली अगर आपके गाड़ी में ड्रम है तो आपको स्पेसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके गाड़ी में कैलिबर लगे हुए हैं जो ब्रेक पैड्स कैलिबर वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आफ्टर मार्केट के अलॉयज वो कैलिबर पर टच होते हैं, तो कैलिबर टचिंग अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों स्पेसर का यूज़ करना होता है। कहीं ना कहीं अलॉयज को थोड़ा बाहर लेना होता है तो उसके लिए स्पेसर का यूज़ होता है। तो अगर आप देख लीजिए आपके गाड़ी में अगर अलॉयज डालने के बाद में कहीं ना कहीं कैलिबर पे टच हो रहा है गाड़ी में, दोस्तों अगर कैलिबर वाले ब्रेक्स है और अगर आपको लग रहा है कि अलॉयज कैलिबर पे टच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेसर डाल के थोड़ा उसे बाहर गैप बनाने के लिए स्पेसर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये स्पेसर हो गया। दोस्तों नाइन्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है ऑफसेट। मोस्टली ये होता है एसयूवी गाड़ी के लिए, तो कहीं ना कहीं एसयूवी गाड़ीज में आपने देखा होगा पॉजिटिव ऑफसेट निगेटिव ऑफसेट, ये क्या होता है एग्जैक्टली? तो निगेटिव ऑफसेट मतलब आपके टायर है वो बाहर आ रहे हैं, पॉजिटिव ऑफसेट मतलब टायर आपके अंदर साइड में आ रहे हैं, और ज़ीरो ऑफसेट मतलब लेवल में है। तो OEMs के जो अलॉयज होते हैं ये ज़ीरो ऑफसेट में रहते हैं। आफ्टर मार्केट में आपको निगेटिव ऑफसेट भी मिलेगा और पॉजिटिव ऑफसेट भी मिलेगा। तो किसको अगर थोड़ा बाहर आना पसंद करते हैं तो उसे उनको निगेटिव ऑफसेट में अलॉयज लेना होता है। तो यूजुअली वो डीप होते हैं अंदर में और उसका ऑफसेट बाहर होता है, तो स्टेबिलिटी देंगे और थोड़ा टायर बाहर दिखेगा, निगेटिव ऑफसेट में बाहर दिखेगा और पॉजिटिव ऑफसेट में थोड़ा टायर अंदर जाएगा, तो बॉडी लेवल से थोड़ा अंदर रहेगा और ज़ीरो में एक लेवल में आएगा। तो पॉजिटिव ऑफसेट निगेटिव ऑफसेट अगर आप एसयूवी के लिए अलॉयज खरीद रहे हो, जैसे थार है या इसुजू है या आपकी कोई भी 4x4 व्हीकल्स है, उसके लिए अगर आप अलॉयज खरीद रहे हो तो आप ये ज़रूर देखिए कि आपको अगर बाहर टायर पसंद है तो आप निगेटिव ऑफसेट के अलॉयज खरीदिए, और टायर अगर आपको लेवल में चाहिए तो आपके ज़ीरो ऑफसेट वाले लीजिए, और अगर आपको टायर थोड़े अंदर पसंद है तो पॉजिटिव ऑफसेट लीजिए। दोस्तों लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना है कि बॉक्सेस जो होते हैं अलॉयज के उसके ऊपर ये सारे इन्फॉर्मेशन दी होती है, उस हिसाब से आप उसको खरीदिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना। दोस्तों कोई भी आपके सुझाव है या कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ट्राई करूँगा उसे आंसर करने के लिए। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।